तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्वर प्रणाली की खोज किसने की थी। अगर आपसे आंसर बनता है तो आपके लिए कमेंट में बताना है। आपके सामने चार विकल्प दिए होंगे, एक विकल्प का आपके लिए चयन करना है। तो आज से अपनी यह जो क्लास है रोज 5:30 बजे आपकी जो है 5:30 पर रोज शुरू होगी आपकी यह क्लास। तो रोज आना है, जो भी RRB NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन आंसर है आपके भूगोल से संबंधित। तो चलिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चार विकल्प है आपके सामने और अपनी इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी में यहाँ पर क्या है, देखिए कोपरनिकस आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर, कोपरनिकस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए पोलैंड में जन्मे निकोलस कोपरनिकस पोलिश अर्थशास्त्री व गणितज्ञ थे। उन्होंने एक क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना। यह भी आपके लिए याद रखना है, यानी हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल को जो है लागू किया और इसके पहले पूरा यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और सूर्य तारे तथा दूसरे पिंड उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे या चक्कर लगाती थी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। इसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है, जरूर सभी लोग इसका आंसर बताएं। सभी को जय हिंद, यहाँ पर सभी लोग आ जाएं लाइव और क्या होगा इसका राइट आंसर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं। नीतू अहिरवार जी, पुष्पा जी जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ग्रह। ग्रह आपका यहाँ पर सही आंसर है। राइट आंसर क्या है, ग्रह आपका सही आंसर होगा। देखिए सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो निम्न प्रकार हैं, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह और भी हैं जिसे सीरियस और प्लूटो और एरिस कहते हैं। यह जो 3 ग्रह और हैं बौनी ग्रह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताएं। हर ज्ञान ठाकुर जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह या स्वर तारा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वह है आपका विकल्प नंबर बी, उपग्रह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है बी आपका यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल सही बताया है, बी है इसका राइट आंसर। देखिए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को ग्रह का उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है, यह अभी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी लोग बताएंगे आंसर। न्यूटन, केपलर या कोपरनिकस या गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राज राणा। तो बताइए नीतू जी इसका राइट आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, केपलर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर, केपलर। विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर
इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, केपलर। और देखिए खगोलीय विज्ञान में केपलर के गृह गति के तीन नियम इस प्रकार हैं, सभी ग्रहों की कक्षा जो है दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्ष के नाभिक पर होता है। यहाँ पर देखिए तीन नियम कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है और ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध या दीर्घ अक्ष के घन के समानुपात होता है। किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे समानुपातिक है। यह तीन नियम दिए। और अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग यहां पर आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सौरभ त्यागी जी बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8, 9, 10 या 11 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, आपका राइट आंसर है 8, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन कौन से हैं तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यह आपके लिए याद रखना है, यह 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न जो है वह कौन सा क्रम सही है। यहाँ पर आपके लिए 4 क्रम दिए हैं, इन क्रम में से आपके लिए एक सही क्रम बताना है। सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार बताना है ग्रहों का निम्न क्रम कौन सा सही है। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो इस प्रकार आपके सामने जो है 4 विकल्प हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है जो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 में है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यह सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार यह जो क्रम है यह सही क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। याद रखना है विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम यह है, आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अब आपके लिए पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार बताना है, तो बताइए सभी लोग, नीलेश जी, हरज्ञान जी, नीतू जी, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। आयसी अली जी, तो इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का, यहाँ पर सभी लोग बताएंगे क्या है राइट आंसर। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम यहाँ पर सही है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी में यहाँ पर है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, ए आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही बताए यहाँ पर रंजना जी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या है अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। अब आपके लिए यहाँ पर अवरोही क्रम बताना है कौन सा है, अवरोही क्रम बताना है आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 विकल्प हैं आपके सामने, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं, एक विकल्प का आप चयन करें। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 में कि आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही जो क्रम है वह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। विकल्प नंबर 1 आपका यह जो है राइट आंसर होगा, याद रखना है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण और वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति।
निम्न में से कौन सा स्वर मंडल का भाग नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सभी लोग यहां पर बताएंगे। चार विकल्प आपके सामने दिए हैं कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। तो सभी लोग बताएं क्या होगा यहां पर राइट आंसर। हरज्ञान जी क्या है इसका राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा स्वर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका यहां पर क्या है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी यानी कि निहारिका आपका राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? निहारिका आपका यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग बताना है आपके लिए, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। चार विकल्प हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग बताना है, यह नियत रहता है या अधिकतम होता है जबकि जब सूर्य के समीप होता है, या अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो बताइए सभी लोग क्या होगा राइट आंसर। माया मालवीय जी तो इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का, और यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी कि अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, यह आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। जिन्होंने अभी बताया है उनका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर, क्या है राइट आंसर? बी आपका राइट आंसर होगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, यह आपके लिए याद रखना है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं यह बताना है, 87, 88, 89 या 90। चार विकल्प इस प्रकार आपके सामने दिए हैं, तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। सभी लोग बताएं अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो आपका यहां पर कुछ नहीं, जो अगला विकल्प जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा सी, 89 आपका यहां पर विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? 89 आपका बिल्कुल सही बताया यहां पर, 89 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले चारों जो है तारों के किसी समूह को कहते हैं, यह आपके लिए याद रखना है कि खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रा, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट ओलंपिया या नेक्स्ट ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी लोग यहां पर बताएंगे। बताइए सभी लोग क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। रोज अपनी एक क्लास होती है 5:30 बजे आपकी एक क्लास होती है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर, क्या है? विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है, मंगल। मंगल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी सभी को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट ओलंपिया कोलंपस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है, यह मंगल की सतह से लगभग 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक है तथा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का वह है विकल्प नंबर, क्या है? विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, 4।
चार आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि पाठ्यक्रमों की संख्या है तो चार है, यह आपके लिए याद रखना है, चार है पाठ्यक्रमों की संख्या। पार्थिक या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, देखिए शुक्र बुध मंगल पृथ्वी को पार्थिक ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिक ग्रह नहीं है, तो आपके लिए अभी वहां पर विस्तृत भी बता दिए थे, तो अब बताइए अब कौन सा यहाँ पर नहीं है, अब इसका आंसर सभी लोगों पर बनना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, बुध शुक्र मंगल या शनि, तो बिल्कुल सही यहाँ पर बताया है आपका राइट आंसर होगा शनि, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर बताया है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही, शनि आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए पार्थक जो या पार्थव या आंतरिक ग्रह हैं शुक्र बुध पृथ्वी और मंगल हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर बताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6, 5, 4 या 3, तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोगों को राइट आंसर बताना है और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें एक बार और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जो है सभी अवश्य जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ना है यहाँ पर, तो और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि चार आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, चार आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। बृहस्पति या ब्राह ग्रह जो है वह कौन से हैं, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, बताइए सब यहाँ पर 16 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, शनि अरुण वरुण या मंगल, इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प दिए हैं और बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर डी यानी कि मंगल, मंगल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, मंगल आपका राइट आंसर है, याद रखना है मंगल। और देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, तो यह आपके लिए बताना है कि वह कौन से दो ग्रह हैं, तो दो ग्रह बताना है आपके लिए, बुध और शुक्र पृथ्वी और शुक्र अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण, तो इस प्रकार चार विकल्प हैं और सभी लोग यहां पर राइट आंसर बताएं, क्या है इसका राइट आंसर बताइए, किरण जी माया मालवीय जी, क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर सभी लोगों को आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, शुक्र और अरुण आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, शुक्र और अरुण आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए क्या है कि शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और सूर्य से दूसरा और सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है, यह भी आपके लिए याद रखना है। आकाश में शुक्र को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यह आकाश में सबसे चमकीला पिंड है, शुक्र और अरुण मात्र दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, यह भी आपके लिए याद रखना है कि वह दो ग्रह कौन से हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सूर्य को पृथ्वी को बृहस्पति को या शनि को,
क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताएं। चार हैं आपके सामने विकल्प और एक विकल्प का आपके लिए चयन करना है यहाँ पर, तो चयन करें सभी लोग और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है और इसका राइट आंसर होगा क्या है, 18 का राइट आंसर है सूर्य को, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है हरज्ञान जी, विकल्प नंबर एक बिल्कुल सही। और देखिए सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं, सूर्य को हमारे सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है, तो याद रखना है आपके लिए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर बताएं कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है धूमकेतु, उल्का या लब्धक या अभिनव तारा, तो सभी लोग यहां पर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का, तो कौन सा है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, अभिनव तारा जो है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वह थे कौन थे आपके लिए बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का, सभी लोग आंसर यहां पर बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का यहां पर राइट आंसर बताइए, आसिया अली जी क्या है इसका राइट आंसर, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न्यूटन या डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, कोपरनिकस आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर बिल्कुल सही, सी यहाँ पर राइट आंसर है। और देखिए निकोलस कोपरनिकस पोलिस अर्थ जो है खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, यह भी आपके लिए याद रखना है, और इन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, यह आपके लिए आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही। अब इसका आंसर सभी लोग बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय जो है इसको ग्रह मानते थे, सूर्य, मंगल, शुक्र या शनि, तो इसका यहां पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर, क्या है विकल्प नंबर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि सूर्य आपका यहां पर राइट आंसर होगा, क्या है राइट आंसर, सूर्य आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। और देखिए सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी यहाँ पर लगभग है कितनी है, यह आपकी 14,96,00,000 किलोमीटर है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में जो है 8.3 मिनट का समय लगता है, सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन और कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है, तो यह भी आपके लिए याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह और अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोगों को बताना है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, तो क्या है इसका राइट आंसर, राज ठाकुर जी, रीना जी इसका राइट आंसर बताना है यहाँ पर,
और इसका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही बताया है, हाइड्रोजन और हीलियम आपका राइट आंसर है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन और हीलियम आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी। देखिए यहाँ पर क्या है, सूर्य एक विशाल आठबैक बादल के हिस्से से दहिने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ है, जो अधिकांशता हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, और शायद इन्हीं ने कई अन्य तारों को बनाया है। हाइड्रोजन सूर्य के सतह की मात्रा का 74% और हीलियम 24% है, यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए, समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या स्थल मंडल? क्वेश्चन नंबर 23 और 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर बताएंगे, बताइए राज ठाकुर जी क्या है इसका राइट आंसर? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो जो सूर्य के मध्य भाग है वह उसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी में क्या है? प्रकाश मंडल। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रकाश मंडल। सभी लोग याद रखें, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रकाश मंडल किसी तारे का बाहरी खोल है जिससे प्रकाश निकलता है। असल में हम सूर्य में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है, अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या समताप मंडल? चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सभी लोगों को यहाँ पर बताना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, सभी लोग बताएं यहाँ पर, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, और यहाँ पर सभी लोग कमेंट में आंसर बताते जाएं। हरज्ञान ठाकुर जी क्या है इसका राइट आंसर, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर, इसको कहा जाता है वर्णमंडल। वर्णमंडल विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर सी। देखिए सूर्य के वायुमंडल का निम्न स्तर जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर स्थित है या उत्क्रमण मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्क्रमण मंडल कहलाता है। इस उत्क्रमण मंडल से लगभग ऊपर लगभग जो है 11,200 किलोमीटर तक फैले हुए गोलीय मंडल को वर्णमंडल कहा जाता है। तो यह इस प्रकार आपकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि वर्णमंडल किसको कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्या है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? यह बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। सूर्य हमेशा जो है सूर्य सदैव पूर्व में ही निकलता है, क्यों निकलता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है, या इनमें से सभी? तो चार विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? गिरिजा जी बताइए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है? आपका राइट आंसर विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर बिल्कुल सही। क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, आपके लिए याद रखना है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, धरती न केवल पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, साथ ही यदि हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखें तो वह सूर्य की परिक्रमा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात और ऋतु परिवर्तन होते हैं, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। सभी लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर, क्या है इसका राइट आंसर? चार विकल्प हैं आपके सामने, और रोज अपनी एक क्लास होती है 5:30 बजे शाम को। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च को, या 23 सितंबर को, 21 जून को, या 22 दिसंबर को?
और आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का, वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि 21 जून को आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। नॉर्वे के अर्धरात्रि के सूर्य के देश को इस प्रकार परिभाषित जो है किया जा सकता है कि जब सूर्य उत्तरण रहता है उस समय उच्च अक्षांशों में दिन की अवधि जो है 18 से 24 घंटे तक रहती है, अर्थात उसी गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब अर्धरात्रि रहती है तब नॉर्वे जैसे उच्च अक्षांशीय देशों में सूर्य चमकता रहता है। अंटार्कटिक और आर्कटिक ऐसे ही उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक ग्रह कि अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर सभी लोग यहां पर बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर? चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएं। अमित जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा कि एक ग्रह कि अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अपसौर। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या है राइट आंसर? बी आपका यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, अपसौर आपका सही आंसर है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम, सॉरी यहाँ पर न्यूनतम है, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अभी आप जो है अधिकतम पूछा था, अब यहाँ पर न्यूनतम बताना है, तो इसको कहा, क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर बताएंगे यहां पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर? बिल्कुल सही यहां पर बताएं, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपसौर। विकल्प नंबर एक आपके यहां पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक, बिल्कुल सही राज ठाकुर जी, उपसौर कहा जाता है इसको, और अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर, यह आपके लिए याद रखना है, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक की होती है उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति जो है 3 जनवरी को होती है, यह भी आपके लिए याद रखना है। उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही लिखा है, और देखिए अगला क्वेश्चन है 29वां, क्या है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खगोलीय एकक यहां पर आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य या प्लूटो और तथा सूर्य? तो क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का यहां पर जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 29 इसका राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य आपका यहां पर राइट आंसर होगा, पृथ्वी तथा सूर्य एक, बिल्कुल सही किरण राजपूत जी, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। यहाँ पर देखिए क्या है, खगोलीय एकक पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच के मध्य की दूरी होती है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है यह आपका, और सभी लोग आंसर बताएंगे इसका, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 है और राइट आंसर बताएं, आखिरी क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध प्रकाश या उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना? तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है, एक विकल्प का चयन करना है।
और क्वेश्चन नंबर 30 है, और इसका राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त देर तक चमकना आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, नॉर्वे के अर्धरात्रि के सूर्य के देश को इस प्रकार जो है परिभाषित किया जा सकता है कि जब सूर्य उत्तरायण रहता है उस समय उच्च अक्षांशों को दिन की अवधि जो है 18 से 24 घंटे तक रहती है। यह ऊपर भी आपने पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।